हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, के आई ओ सी एल लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, यहां पे कंपनी की ओर से अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड दोनों रिजल्ट आउट हो चुका है। और यहाँ पे पहले हम लोग क्वार्टर एंडेड को कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें तो लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। और इनकम है इस बार का 387 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 561 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 756.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज की डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 408 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 524 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 698.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस में भी डिक्रीज किया इनकम के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 21 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 36.9 करोड़ का प्रॉफिट है, और मार्च 23 क्वार्टर में 57.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में फॉल देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट है 42.9 करोड़ का लॉसेस है इस बार गाइस, पिछले क्वार्टर 39 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 23 क्वार्टर में 82 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बहुत बुरी गिरावट एक्चुअली लॉसेस देखने को मिल रहा है। ईपीएस -0.71 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। वहीं फिनांशियल ईयर एंडेड में इनकम है 1904.7 करोड़ का, 23 में 1623.8 करोड़ का। इनकम तो इंक्रीज़ है बट एक्सपेंसेस कंपनी का 1968.8 करोड़ का, 4 करोड़ का, और 23 में 1746.5 करोड़ का, जो कि एक्सपेंस में भी इंक्रीज़ किया है इनकम के अकॉर्डिंग। और लॉसेस है इस कंपनी को इस बार का अगर देखा जाए तो कंपनी को लॉस है 63.7 करोड़ का, और 23 में 122.7 करोड़ का लॉसेस है बिफोर टैक्स, जो कि रिकवर किया है आफ्टर टैक्स। कंपनी का लॉस है अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉसेस जो है इस बार का 83.3 करोड़ का, और 23 में 97.6 करोड़ का लॉस रिकवर किया है। ईपीएस -1.37 रुपीज़ का 23 से रिकवर किया है। तो इस क्वार्टर एंडेड में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई, फिनांशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज पैलेट प्लांट, पिग आयरन प्लांट, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंडेड में डाउन है, फिनांशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज किया। तो गाइस, अगर हम देखेंगे कंपनी का रिजल्ट तो एवरेज है, क्योंकि गाइस कंपनी का क्वार्टर एंडेड में बहुत ज़्यादा फॉल है बट फिनांशियल ईयर एंडेड में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। अगर हम इसके शेयर की बात करें गाइस तो 443.5 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है गाइस। इसके रिजल्ट आते ही कंपनी के शेयर में क्रैश किया, और उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रही है गाइस, और अभी के अकॉर्डिंग 0.19% का प्रॉफिट देखने को मिला। 443.5 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, 1 मंथ में 2% का प्रॉफिट है, 6 मंथ्स में 43% का प्रॉफिट है। एक डाउनफॉल देखने को, सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं गाइस तो ये 421 रुपीज़ के आसपास जब आते हैं तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अभी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिस्क होगा इसमें एंट्री करना। अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।